ऑब्जर्व किया कि वो सूरज जो पहले बैचलर आ करते थे अपने जवानी के टाइम पे एकदम, उस समय आप कैसे तैयारी किया करते थे, और इसके बाद जब आप पूरे मैरिड हो गए, अच्छे से आपका पूरा फैमिली बन गया, उसके बाद आप कैसे तैयारी किया करते नहीं, उस समय जो तैयारी करते थे हम लगातार पढ़ते थे, जैसे थे? बैठे हैं फ्रेंड्स भी बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो पता चला कि 12 बजे बैठे हैं, कब 6 बज गया पता ही नहीं चला। उसके बाद कह रहे चलो यार चाय पी के आते हैं, ये वो दौर था। लेकिन जब वाइफ साथ में तैयारी करती थी तो उसको बीच बीच में काम भी करना है, बीच में बच्चे भी संभालने हैं, तो ये अंतर आया है दोनों में। अब तैयारी का समय घट गया और आधा हम पुराने ज्ञान पर भरोसा करने लगे और नए चीजों में केवल करेंट इवेंट को देखना शुरू कर दिया, अपडेट करते हैं। बस इतना ही करते थे। ओके, और कुछ आपको ऐड करना है एडीओ के रेस्पेक्ट में कि ये स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए इस एग्जाम के लिए जब आएंगे तब? इस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं या चाहते हैं कि इस पोस्ट में मुझे जाना चाहिए, तो अभी तो एक PGDRD का डिग्री एकदम अनिवार्य कर दिया है, उसमें अतिरिक्त नंबर दे रहा है। अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे आजीविका हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, हिंदी का सेक्शन हो गया, पंचायती राज का सेक्शन हो गया, इससे कोशिश करें कि गलतियां ना हो, और ये संभव है, क्योंकि ये बिल्कुल संभव है। आप अगर स्टडी करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते हैं तो किया जा सकता है, मैस तो है नहीं, गलतियां कम से कम करें। एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन का है, आप कोशिश करें कि 25 से 27 सही सही कर ले। जी क्या PSC और इस एग्जाम की तैयारी दोनों एक साथ हो सकती दोनों एक साथ तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है और सिलेबस भी डिफरेंट है, है? आपको कुछ समय तो इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, निकालना तब कहीं पड़ेगा। जाके संभव क्या होगा। डिफरेंट है जिसके लिए अलग से तैयारी जैसे कि करनी आजीविका केवल एडीओ में आप पढ़ पाएंगे, PSC में इसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। हाँ, ग्रामीण विकास के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं, पंचायती राज भी जुड़ा हुआ है। ओके। हाँ, हिंदी आपको मेंस और प्रीलिम्स में काम आएगा। तो मतलब ये एक्स्ट्रा आप अलग से हाँ, बाहर एक्स्ट्रा से, कुछ कुछ है वो आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सारे डीओ के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा PSC के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप कई सालों से इस एग्ज़ाम को दिला जी रहे हैं। थोड़ा जी डिटेल में बताइएगा, आप कब से स्टार्ट किए, कितने, आपने कई बार मेंस दिलाए हैं, कई बार आपने इंटरव्यू दिलाए जी हैं, जी तो इस जर्नी के बारे में बताइए सबसे पहले तो। अब 2005 में मैं सबसे पहले दिया था एग्ज़ाम यहाँ पर, मैं 15 दिन ही आया हुआ था मुझे यहाँ पर तैयारी करने के लिए, और दिया था। तो अब ईश्वर की अनुकंपा कहें या जो जो पढ़ा वही आ गया, तो पास हो गया मैं उसमें। 15 दिन का समय था मेरे पास। हाँ, तो लोग बोलते थे कि इतने कम समय में कैसे पास हो गया करके, तो मैं कहा ये बन गया पेपर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, होता है ना, कि हम जो जो चीजें पढ़े रहते हैं या किसी टीचर के गाइडेंस में रहते हैं, वो बताए रहते हैं, तो हो जाता है। तो वैसा हो गया, वो रिटर्न पैटर्न था। तो उस समय उसमें पहली बार मेंस लिखा था, उसके बाद फिर 2008 का, 2011 का, ऐसा करके कंटिन्यू 2019 तक चला है। ओके। जी